तो गाइस मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं फैलकन टेक। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों आपको टीवी नहीं लेना चाहिए इस टाइम, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं, और कब आपको टीवी लेना चाहिए, व्यू सिनेमा कब लेना चाहिए, व्यू के स्टॉक कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा। और आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो है मेरे से पूछ रहे थे भाई स्टॉक कब आएगा कब आएगा कब आएगा, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, व्यू का स्टॉक कब आएगा, व्यू सिनेमा कब आएगा, व्यू के अदर टीवीज़ कब आएंगे। तो कुछ हालांकि टीवी आ चुके हैं, प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस प्राइस में तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ किसी भी टीवी को लेने से, बट अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कुछ टीवी अभी भी हैं जो आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक नोकिया की टीवी है, एक मोटरोला की टीवी है, बट प्राइस थोड़े से ज़्यादा। तो प्लीज़ अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ कंसिडर कर लेना, अगर अदरवाइज़ तो प्लीज़ मत लेना। सेकंड हैंड टीवी भी आप ले सकते हैं, ओएलएक्स वगैरह पे भी आपको देखने मिल जाएंगे, या फिर और कहीं मार्केट में देखें तो वहाँ पे भी आपको टीवी देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप सेकंड हैंड टीवी भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। नई टीवीज़ के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो इस टाइम तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा टीवी को लेते हुए, क्योंकि 2-3 हज़ार का आपका बिना बात का लॉस होने वाला है। क्योंकि टीवीज़ जो है जनरली 11,000, 11,500, 12,000 तक में मिलते थे, बट अब आपको वो टीवी जो है 13,000, 13,500, 14,000 तक में पड़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग जो अगर जो प्लान कर रहे थे टीवी लेने के लिए, न्यू ईयर तक का वेट कीजिए, न्यू ईयर पर टीवी के सेल आ सकती है, स्टॉक्स भी शायद आ जाएँ। बट अभी फ़िलहाल के लिए बात यह है कि व्यू के सिनेमा टीवी के स्टॉक कब आ सकते हैं। तो मेरी थोड़ी सी बात हुई थी व्यू टीम से, तो और व्यू के सपोर्ट टीम में, तो मैंने उनसे पूछा था कि व्यू के सिनेमा के स्टॉक कब आएंगे। आपने पहले बोला था सितंबर, उससे पहले आपने बोल रहे थे कि भाई अगस्त में आ जाएंगे, फिर बोल रहे थे कि भाई दिवाली के बाद आ जाएंगे, दिवाली पर आ जाएंगे, दिवाली सेल में आ जाएंगे, कभी नहीं आया, हमारी टाइम वेस्ट हो गया। बहुत सारे लोग जो है इस टीवी के लिए वेट भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है उसे खरीदना चाहते थे। तो इस केस में जो है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगा कि उनका टाइम वेस्ट हो गया। उसके अलावा जो है दूसरा टीवी कंसीडर कर लिया लोगों ने, नोकिया ले लिया, मोटरोला ले लिया, ये जो टीवी कंसीडर कर लिए थे, ओनी द फायर टीवी कंसीडर कर लिया था, और ये सारे टीवी आपसे कंसीडर कर लिए थे। अब बात आती है कि व्यू सिनेमा स्टॉक में क्यों नहीं आ पा रहा है। बेसिकली जो हाइसेंस से रिलेटेड इनका इशू चल रहा था, और इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं गवर्नमेंट दे रही है इस टाइम, और टीवी स्क्रीन से रिलेटेड लॉ भी पास हुआ था कि टीवी स्क्रीन्स जो है इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो बड़ी टीवी स्क्रीन्स हैं उनको इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। और प्राइस भी आप देख पा रहे होंगे, जो कि टीवी अभी फ़िलहाल में जो लिस्ट हुए हैं उनका प्राइस 10-10 हज़ार रुपये बढ़ चुका है। तो अब इस केस में तो यार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा बहुत लोगों को कि भाई यार इतना वेट किया और इसके बावजूद इतना प्राइस बढ़ गया, तो अब क्या करें क्या ना करें। तो भाई अब जो वो 12,000, 12,500, 11,000 वाला जो प्राइस था वो शायद आपको ना देखने मिले, क्योंकि प्राइस हाई हो जाएंगे। इंडिया में जो मार्केट अभी इतनी नई ग्रो हो चुकी है, या फिर मैं बोलूँगा इंडस्ट्रीज इतनी पावरफुल नहीं है कि सारा का सारा मटेरियल यहाँ बना पाए, तो चाइना से इंपोर्ट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से इंपोर्ट कराए हुए बिना टीवी को नहीं बना पा रहे हैं, कुछ ना कुछ पार्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी चाइना में बनाने के लिए, चाइना से इंपोर्ट करने के लिए, तभी आप टीवी को बना पाएंगे। अगर यहाँ बनाएंगे तो प्राइस 17-18 हज़ार तक भी जा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि अगर इंपोर्ट होता है टीवी तो ही आप सस्ता टीवी जो है ले पाएंगे, 14,000, 15,000 से नीचे आप टीवी नहीं ले पाएंगे। अगर आप फुल्ली एक इंडिया में बना टीवी, हर एक चीज़ इंडिया में नहीं बन रही टीवी की, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर कोई बोलता है कि मेड इन इंडिया है तो 100% मेड इन इंडिया नहीं होता है, वो इम्पोर्ट हो रहा है, आइटम इम्पोर्ट होता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है इम्पोर्ट हो रहा है, बट डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट जो होते थे व्यू के सिनेमा टीवी वो अब नहीं हो रहे। मैं आपको बता दूं व्यू का सिनेमा टीवी जो है डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट हुआ था, मैं आपको बॉक्स भी दिखा दूंगा, उस बॉक्स पे लिखा भी है कि चाइना में ही ये इंपोर्ट हुआ था, चाइना में ही मैनुफैक्चर हुआ था। व्यू टेक्नोलॉजी जो कंपनी है व्यू सिनेमा की, तो व्यू टेक्नोलॉजी व्यू टीवीज जो है वो इंपोर्ट कराते हैं चाइना से, हाइसेंस उनका टीवी बनाता था और वो यहाँ पे मार्केट करते थे अपने ब्रांड को, तो इस तरीके से वो सेल करते थे और इस तरीके से जो सारा का सारा ये मैटर चलता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पूरा का पूरा मेड इन इंडिया नहीं होता है टीवी, तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत आइटम हमेशा इंपोर्ट करना जरूरी होता है, जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट कराए जाते हैं। तो इस टाइम जो है स्टॉक से रिलेटेड यही इशू है कि इंपोर्ट ड्यूटी या फिर इंपोर्ट लाइसेंस में प्रॉब्लम आ रही है, रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा दी हैं, तो वो चीज़ की वजह से आपको देखने नहीं मिल पा रहा होगा कोई भी स्टॉक, अगर आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है तो। कोडेक की टीवी, थॉमसन की टीवी, ये सारे के सारे जो है कंपोनेंट चाइना से मंगाते हैं, यहाँ पे असेंबल होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि असेंबली यहाँ होती है, कंपोनेंट वहीं से आने वाला है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है। क्योंकि सैमसंग का भी अगर मैं बात करता हूँ तो सैमसंग जहाँ तक यहीं बनाता है, इम्पोर्ट बहुत ही कम करता है चाइना से, तो सारी चीज़ें सैमसंग की तो यहीं बनती है। आप सोच सकते हैं कि सैमसंग 100% नहीं तो 99% 95% जो है कंपोनेंट यहीं बनाता है। कुछ सेट्स जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, उसके बिना जो है कंपोनेंट नहीं बनने वाला, उसके बिना जो है टीवी नहीं बनने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आते हैं स्टॉक्स कमाएंगे, तो हो सकता है कि व्यू सिनेमा का जो डिज़ाइन है, R&D जो उन्होंने करी है व्यू टेक्नोलॉजीज ने, वो किसी और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को दे दें, वो लोग टीवी बनाए और फिर वो स्टॉक में आए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यही होने वाला है कि ये लोग उनको असाइन कर देंगे, वो मैन्युफैक्चर करेंगे, जैसे कि नोकिया का टीवी जिन्होंने बनाया है, मोटोरोला का जिन्होंने बना रहे हैं, तो उनको दे देंगे, वो लोग बनाएंगे और फिर वो मार्केट में आने वाला है। क्योंकि टीवी काफ़ी अच्छा था और डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, तो मुझे तो लगता नहीं कि वो टीवी बंद होने वाला आगे चल के, स्टॉक में ज़रूर वापस आएगा। हो सकता है थोड़ा सा ओल्ड उसको बोल दिया जाए कि यार जून 2020 में वो टीवी आया था, अब 6 महीने ओल्ड हो चुके, तो ऐसा कुछ होता नहीं है खासकर, क्योंकि MI के भी टीवी काफ़ी ओल्ड है, हालांकि आज तक वो स्टॉक में बिकते हैं। थॉमसन के कुछ टीवी हैं वो आज तक स्टॉक में बिकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर टीवी अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है इन शॉर्ट, तो वो बिकता है चाहे वो 2 साल पुराना क्यों ना हो। तो वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखनी है। अगर स्टॉक में आ जाता है टीवी तो प्लीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। सारी वीडियोस आपको व्यू सिनेमा से रिलेटेड मैं दे दूंगा अगर स्टॉक में वो आ जाता है तो। इस वीडियो में तो इतना ही था, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि टीवी बाहर से इम्पोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे साइन होगा कोई ना कोई कंपनी जो कि इम्पोर्ट करेगी कंपोनेंट्स को और मैन्युफैक्चर करेगी और फिर वो मार्केट में आएगा, मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है। बाकी आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, तो प्लीज़ जो है कमेंट करके मुझे बिल्कुल बता देना, और सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना चैनल को, लाइक कर देंगे अगर आप थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो। मिलता है तब तक, बाय, कोरोना से बचे, टेक केयर।